बहू ने छुए सास के चरण और सास ने बहू को दिया आशीष, हो गया राजीनामा। 12 प्रकरणों में हुआ राजीनामा, 15 प्रकरणों की हुई काउंसलिंग। काउंसलिंग में अधिकतम सफलता का रिकॉर्ड। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र के शिविर में सुनवाई योग्य 15 प्रकरणों में से 12 में राजीनामा कराने में सफलता प्राप्त हुई है। समझौता न हो पाने वाले 3 प्रकरण महिला प्रकोष्ठ को वापस कर दिए गए हैं। शिवपुरी निवासी आशा का विवाह ग्वालियर निवासी सतीश के साथ 2 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। संयुक्त परिवार में रहने के कारण होने वाले पारिवारिक क्लेश, पत्नी को पति से अनबन हो गई, विगत 6 माह से मायके में निवास कर रही थी। काउंसलरों के द्वारा दी गई समझाइश के बाद दोनों पति पत्नी के बीच विवाद सुलझ गया। समझौते में यह तय हो पाया कि पति 1 माह के भीतर अपने पृथक मकान से अलग हो जाएगा और पति पत्नी अब एक के साथ जीवन निर्वहन करेंगे। काउंसलिंग के बाद पति अपनी पत्नी के साथ अतिथि बनकर ससुराल के आग्रह पर लड़की के घर 6 माह बाद पहुंचे। सबसे रोचक प्रकरण शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र के निवासी 2 सास बहुओं का था, जिसमें आपसी विवाद के कारण बेटा बेटी परेशानी उठा रहे थे। मामला कुछ इस तरह था कि बुजुर्ग सास और इकलौते बेटे की बहू के द्वारा अपनी बेटी और सास के साथ रह रही बेटी की बेटी को आपस में झगड़ने के चलते डांट फटकार के साथ कुछ चपत भी लगा दी। इस घटना में सास बहू के बीच हुए विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और फिर एक छत के नीचे रहने को बावजूद भी दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई, जिसके चलते इकलौता बेटा पीस रहा था। सास ने महिला थाने में आवेदन दिया और ये प्रकरण काउंसलरों के समक्ष प्रस्तुत किया। काउंसलरों ने बड़े धैर्य के साथ सास और बहू दोनों को सुना, उनके मन गुबार निकाले हैं और बहुत समझाइश के बाद सास बहू के बीच राजीनामा कराने में सफलता प्राप्त की है। जहां इस प्रकरण में श्रीमती गीता दीवान, हैप्पी डेज आनंदिता गांधी और श्वेता ने विशेष रुचि लेकर इस मामले को हल करने में महती भूमिका अदा की है, तो वहीं जिला संयोजक आलोक एम इंदौरिया ने बहू के द्वारा सास के पैर छुआकर गिले शिकवे दूर करवाए। सर, आपके द्वारा एक काउंसलिंग जो लगभग हर रविवार को आयोजित की जाती है, उस काउंसलिंग में कल एक बड़ा अचीवमेंट 12 प्रकरणों का सॉर्ट आउट किया गया और लगातार इस तरीके की काउंसलिंग करके आप लोगों को बिछोड़ने से बचाने की एक परंपरा आपने शिवपुरी में अनूठी चालू की है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, बहुत सारे आजकल जनसुनवाई में जो प्रकरण आते हैं उसमें पारिवारिक क्लेश को लेकर के, पति पत्नी के झगड़े को लेकर या पत्नी या सास इनके झगड़े के लेकर के आने वाले प्रकरण बहुत बढ़ रहे हैं। इनमें तत्काल FIR ना करके एक बार प्रयास किया जाता है कि यदि केवल मनमुटाव के मामले हैं तो उसमें दोनों पक्षों को बिठाया जाए। कई बार दोनों की गलतफहमी की वजह से, मनभेदों की वजह से ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। तो हमने शिवपुरी के ही जो गणमान्य लोग हैं, एक टीम है, उसमें सभी लोग अवैतनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्वेच्छा से, एक सामाजिक भाव के साथ, उनके साथ और हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की टीम है उनके साथ रविवार को बैठ के ऐसे दंपतियों को बुलाया जाता है जिनमें पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी पिछले रविवार को ऐसे 15 कपल थे हमारे पास और 12 जो पति पत्नी थे उनका समझौता हो गया और वो अब साथ साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। और इसमें अलग अलग टाइप के प्रकरण रहते हैं, कुछ में पैसे को लेन देन के विवाद रहते हैं, कुछ में सोशल मीडिया चलाने को लेकर भी विवाद होते हैं। बहुत अच्छे से इसमें कल निराकरण हुआ है और पूरी हमारी टीम ने इसमें मेहनत की। इसको लेकर सर भविष्य में भी आपकी जिस तरीके की ये घटनाएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक विवादों की बात आपका भी कहना है बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इस तरीके की इस चीज़ को लेके आप किस तरीके से, आपकी क्या कार्य योजना है इसको आगे को लेके? अभी तो देखिए, अगर मार्केट वगैरह नहीं है इसमें और दिखता है कि काउंसलिंग की गुंजाइश है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि काउंसलिंग हो जाए। कई बार FIR होने के बाद में उसमें फिर सुलह की संभावना बहुत घट जाती है और इसमें अधिकांश विवाद पति पत्नी के कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। तो उसमें जो परिवार के बड़े भी हैं उनको भी बुलाया जाता है, जो सास हैं, ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, कई बार उन पर भी आक्षेप लगते हैं, अब उनको भी बुलाते हैं और सतत रूप से चलते रहेंगे। केवल ऐसे केसेस जिनमें लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है और वाकई में प्रताड़ना है, उसमें फिर हम FIR की तरफ जाते हैं। धन्यवाद सर।